आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए, महादेव जी की कृपा बनी रहे। और ये देखिए माता जी का प्रेम, वो तरोई खरीद के लाई थी एक दिन, तो मैं बना चुकी हूँ। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के बना रही हूँ। तो उनके पुत्र जी को यानी कि मेरे साही जी को बहुत पसंद है तरोई, तो तरोई लेके आई हूँ। इसको छील के काट लिए, मतलब छील लिए हैं, अभी इसको धो के काटेंगे फिर सब्जी बनाएंगे। आप कैसे तरोई की सब्जी बनाते हैं? बड़ी वाली तरोई तो यहाँ मिल जाता है कभी कभार, लेकिन ये छोटी वाले तरोई नहीं मिलते हैं, ये गांव पे ही मिलता है। तो माता जी गाँव से लेके आई हैं और इसकी सब्जी बनाएंगे। तो मैं तो तीन तरह से बनाती हूँ, एक लहसुन मिर्चा का तड़का दे के, एक लहसुन मिर्चा प्याज का तड़का दे के और एक सरसों वाली। आपको कौन सी पसंद है ज़रूर बताइएगा। तरोई को हमने धुल लिया है और काट लिया है, बीच से दो टुकड़े कर लिए क्योंकि छोटे छोटे तरोई थे, और उनको काट के बीच से करके ऐसे पतले पतले काट लेंगे और ऐसे पतले पूरे काट के फिर चलिए बनाते हैं सब्जी। तो इसके साथ हमने प्याज लहसुन और हरा मिर्चा काट लिया है, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए और हमें ज़रूरत पड़ेगी तेल, मेथी, हल्दी, नमक की। तो हम बनाएंगे सब्जी, ये नमक, ये तेल और मेथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो इसमें हम डाले तेल, सरसों का तेल। अगर लहसुन वाली बनानी होती है तो मैं थोड़ा सा ही तेल डालती हूँ, लेकिन अभी प्याज भी भुनना है तो थोड़ा तेल और डालना पड़ेगा। मैं नेनुआ लौकी में ना, नेनुआ लौकी तरोई में सब्जी में कम तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मसाले वाली सब्जी में तो प्याज भुनने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें डालेंगे मेथी, और मेथी को जलाना नहीं है। जब शुरू शुरू में मैं इलाहाबाद आई थी ना, तरोई की सब्जी बना रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि इसको पानी में भिगा देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो सुबह सुबह मुझे सब्जी बनानी थी क्योंकि 4 बजे ही उठ के जाते थे बाबू। तो लाइए इसमें प्याज डाल देते हैं, फिर मैं बताती हूँ। तो ये प्याज भुनेगा, और फिर देवर थे मेरे, वो सुबह उनकी 6 बजे से ड्यूटी रहती थी, तो वो साइकिल से जाते थे, 1 घंटा उनको जाने में लगता था। मैं सुबह उठ के सब्जी रोटी बनाती थी, तो मैंने सोचा कि रात में ही तरोई छील के और काट छील के रख लेते हैं, काट के रखे रहते तो नहीं ख़राब होता। मैं छील के दो दो टुकड़े करके और पानी में भिगा कर रख दी कि बाहर रखेंगे तो सूख जाएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। सुबह उठी तो तरोई सारा पानी पानी जैसे हो गया था, बीच से गल गया था, अजीब सा दिख रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी आलू की भुजिया बना के दी थी। तो ये देखिए हमारा प्याज भुन गया, तो इसमें हम तरोई भी डाल दिए हैं और तरोई चला लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक स्वादानुसार डाल के इसको चलाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे क्योंकि ये जलता बहुत तेज़ी से है। किनारे किनारे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे, और पानी डालने से ना थोड़ा सा पानी जब डालते हैं तो कढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है उसकी ताप, तो सब्ज़ी जलती नहीं है। और तेज़ आंच पे ही सब्ज़ी बनानी चाहिए। नेनुआ तरोई जब भी आप बनाइए तो तेज़ आंच पे बनाइए, तो अच्छी गलती है, तो पानी भी छोड़ता है। तो थोड़ा सा पानी इसको डाल के, तो बहुत हल्का सा पानी डालते हैं ताकि कढ़ाई थोड़ा सा उसकी गर्मी कम हो जाए और पानी भी छोड़ देगा। तो उसके बाद अब ऐसे चला के एक बार तेज़ आँच पर ही ढक देंगे, और दोबारा जब इसको करेंगे तब थोड़ा सा आँच कम कर देंगे। तो चलिए इसको चला दिए, अब इसको ढक देते हैं और ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। पकने के बाद फिर दोबारा जब चलाएंगे तो गैस को थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ी देर पक गया है तो अब इसको चला लेते हैं, चला के थोड़ा गैस कम कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा है, थोड़ा पानी ही दिख रही है, इसको कम कर देंगे कम आँच पर, धीरे धीरे पकेगी। अगर पहले ही आँच कम कर देते तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो हर चीज़ का टेक्निक होता है, बनाते बनाते आदमी सीख जाता है। तो मैं भी इतने सालों में बनाते बनाते सीखी हूँ। तो अगर आप बच्चे हैं तो नहीं आपको पता है, आप मेरा वीडियो देख बनाइएगा। तो देखिए मेरी सब्जी बन गई और अब रोटी भी बन गई है। तो चलिए सब्जी रोटी रात का डिनर, अब डिनर हमारा रेडी है। तो चलते हैं खाते हैं रोटी में घी लगा के और तरोई की सब्जी, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आज
आज का डिनर यही रहेगा, रोटी सब्जी दही सलाद। अब चलिए खाते हैं, घी लगा दूँ फिर साहब को दे दूँ, फिर हम लोग भी खाएंगे। तो आप भी बनाइएगा तुरई की सब्ज़ी और बताइएगा कि कैसी लगी, और आप भी हमारे साथ आप शेयर करेंगे तो मैं भी उसको देखूंगी कि कैसे कैसे आप बनाते हैं। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप तरोई की सब्ज़ी किस तरह की बनाती हैं, प्याज वाली कि लहसुन वाली कि सरसों वाली। कल नहीं परसों बनाऊंगी सरसों वाली।